हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वशी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करा ये ब्लैक स्मोकी आइस, प्लस में मैंने ग्लिटर्स के इफेक्ट्स दिए हैं जो बहुत इजी मैंने अचीव करा है। अगर आप जानना चाहते हो ये लुक मैंने कैसे अचीव करा है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एल्स गुडनेस का रोज टोनर यूज करूँ ताकि मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। दही से मैं इस तरह से प्रेस करूँगी अपनी स्किन में। इसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का कुकुम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम यूज़ करूँगी। इससे जो आपके अंडर आईज है उसमें जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो बहुत कम होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे अंडर आई सीरम यूज़ कर रही हूँ। देन इसके बाद आपको इसे सर्कुलर मोशन पे ऐसे मसाज करते हुए अप्लाई करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे अरोमा मैजिक का वाइटामिन सी लाइटिंग सीरम यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर SPF 30 है, तो ये स्किन प्रोटेक्शन भी देगा, प्लस आपको सीरम की जो गुडनेस है वो भी आपको ये प्रोवाइड करेगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पे NYBE का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इससे आपके जितने भी कलर्स होंगे वो अच्छे से इनहेंस होंगे। जो भी आप आईलिड पे कलर अप्लाई करोगे वो अच्छे से इनहेंस होंगे। तो मैं इस तरह से इसे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने इसे इस तरह से अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर जैकलिन के पैलेट से एक ट्रांजिशन कलर पिक कर रही हूँ और अपनी क्रीज पे इसे बफ करूँगी। डार्क ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं इसे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, फोर्थ पे ही एज ए विंग की तरह ड्रॉ करके आउटर फोर्थ पे ही अप्लाई करूँगी इसे। इसके बाद मैं सेम जैकलिन के पैलेट से लाइट ब्लैक कलर पिक करके इसे सिर्फ मिडल पे ही अप्लाई करूँगी। सिर्फ मुझे मिडल पे ही इसे अप्लाई करना है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे रियल टेक्निक के ब्रश से अगेन लाइट ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ और इसे मिडल ऑफ माय सेंडल लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कॉपर काइंड ऑफ कलर लेकर अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड भी करती जाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे स्टेक ओकी का काजल यूज़ कर रही हूँ। इसे वाटर लाइन पे अच्छे से टाइट लाइन कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से ये डार्क ब्लैक कलर पिक करके यहाँ पे स्मज कर रही हूँ ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और काफी अच्छा प्राइमर है ये। प्राइमर अप्लाई करने से आपके जितने भी पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके बाद मैं अपना DIY लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। सो यू कैन सी बहुत अच्छी शाइन आएगी इससे। देन इसके बाद मैं मेबलिन फिटमी का 230 नंबर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ये। सो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन, वो काफ़ी अच्छी आपको कवरेज भी प्रोवाइड करता है ये। फाउंडेशन अप्लाई करते हो आपको अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए ताकि ये क्रीज ना करे। इसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर यूज कर रही हूँ NYBE का, और अच्छे से जो भी है वो डार्कनेस लग रही है वहाँ पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूंगी। सो इससे आपका ये सब हाईलाइट भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बेला का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा बेस अच्छे से लॉक हो जाए। तो आप कोई लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप इस तरह से कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एले कलर का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। सो कॉन्टोर करने से आपका जो फेस है उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। ब्लश कलर पिक करके ये कोरल कलर है और काफी नेचुरल लगता है ये कलर। इसके बाद मैं ये दोनों कलर पिक करके अपने आईब्रो को फिल करूंगी। देन इसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा यूज कर रही हूँ। सेम मस्कारा को मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। सो यहाँ पे काइंड ऑफ पिंक कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ।
ब्राउन कलर भी इस पे अप्लाई करूंगी। यहाँ पे NYPA की सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। देन इसके बाद में यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड स्टिक हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। देन ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट। बाय, सी यू।